स्नैक्स आ गए थे वाइस कम आ रही होगी आगे आ जाइए या आगे दे दो किसी को। तो हम बहुत एक्साइटेड थे कि हम फ्लाइट पे बैठने वाले हैं, हम फ्लाइट पे बैठने वाले हैं, अभी भी एक्साइटेड है कि हम फ्लाइट से फिर जाने वाले हैं चार दिन बाद। और कितने एक्साइटेड हैं कि अगर हमारी फ्लाइट कनेक्टिंग है तो कोलकाता जाने के लिए कितने खुश है कि हम कोलकाता कनेक्ट फ्लाइट है या नहीं है। कितने सालों में? 40 सालों में। किसी का 40 सालों में, किसी का 20 सालों में, और किसी का 30 सालों में, और किसी का 45 सालों में भी। समझ पा रहे? एक बार सोच, एक बार ऐसा कर रहे हैं तो कितने खुश हैं। एक बार गोवा आए बेहतरीन होटल में रुक के बेहतरीन खाना पीना करके हम कितने खुश हैं कि चार दिन में। एक दिन हमने ये कपड़े देखे, वो कपड़े देखे, लगा हमें ये कपड़ा ले लेना चाहिए, वो कपड़ा ले लेना चाहिए, कुछ लिया कुछ नहीं ले पाए फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से। ये कहीं ना कहीं हमारी इच्छाएं थी, लेकिन हमने अपनी इच्छाओं को पहली बार हमारी जिंदगी में आई करने की कोशिश की, और कुछ हद तक सफल भी हुए, कुछ हद तक हम सफल नहीं भी हुए। लेकिन दोस्त मेरा वादा है आप लोगों से, अगर शायद आप 6 से 7 साल आप अगर शायद इस बिजनेस में टिक जाते हैं, 6 से 7 साल आप अगर इस बिजनेस में 6 से 7 साल आप अपने बिजनेस में टिक जाते हैं, 6 से 7 साल अगर आप बिजनेस में टिक जाते हैं तो आपकी जिंदगी में क्या हो सकता है वो मेरा बताने का तरीका, वही मैं बताना चाहता हूँ। 6 से 7 साल टिकने के बाद, 6 से 7 साल अगर शायद आप बिजनेस में टिकते हैं तो जो पहली आपकी ख्वाहिश थी कि फ्लाइट से चलना, भले ही आज हम इकोनॉमी में आए, 6-7 साल बाद 40 साल में पहली बार आए, लेकिन आप महीने के 22 से 25 दिन आप प्लेन से घूम सकते हैं। हमारे बिजनेस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें आप जानते हो और मैं जानता हूं, जिन्हें मैं जानता हूं और आप भी जानते हैं कि वो महीने के 22 दिन 24 दिन 26 दिन फ्लाइट की ही यात्रा करते हैं, वो भी बिजनेस क्लास। उनकी जिंदगी में हो सकता है तो डेफिनेटली आपकी जिंदगी में भी हो सकता है। हमारा ब्रांडेड कपड़े पहनने का शौक है लेकिन हम डेली नहीं पहन पाते। आप 6-7 साल अगर से एमआई लाइफ स्टाइल करते हो तो आप पूरे परिवार को, आप और अपने पूरे परिवार को ब्रांडेड कपड़े पहना सकते हो। ये प्लेटफॉर्म में पावर है। अच्छे होटलों में रहना है अगर शायद आप 6-7 साल टिकते हो एमआई लाइफ स्टाइल प्लेटफॉर्म पर, तो आप डेली अपने परिवार को और खुद को एक वीआईपी और 5-star होटल में डेली ठहरा सकते हो। इतना पावर आपके अंदर खुद आ जाएगा 6 से 7 साल। ये एक आपकी जिंदगी बन जाएगी आपकी, कि लग्जरियस लाइफ को जीना ये आपकी जिंदगी बन जाएगी। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा? टिकना पड़ेगा 6 से 7 साल हमें इस काम को सही तरीके से, सही नजरिए से, सही तरीके से इस काम को हमें करना पड़ेगा। अगर शायद आप टिकने के लिए तैयार हैं और आगे बढ़ने के चाहते हैं तो आप यहां टिकिए 100%। आप 6 से 7 साल में आपकी लाइफ में जो आपने जिंदगी के 4 दिन जिए हैं, ये आपके डेली का रूटीन बन जाएगा। ये डेली का रूटीन बन जाएगा आपका, जो आज हमने कभी कभार करते हैं, और कभी कभार करने में भी हमें प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम ही तो आती है। इसलिए हमने आपको ये लग्जरियस लाइफ दिखाने के लिए कि देखो दोस्त, अपने घर से निकल के तो चलो, दुनिया में क्या क्या होता है, दुनिया में क्या क्या हो रहा है, हमसे भी अच्छी बहुत अच्छी लाइफ लोग जी रहे हैं, तो हम एक ईमानदार कोशिश तो अपने परिवार के लिए कर ही सकते हैं ना। Yes, sir. हो या ना हो ये एक आगे की बात है, लेकिन जब हमें कोई प्लेटफॉर्म रास्ता दिख रहा है तो इस रास्ते पे हमें चलने की जरूरत है।
हमें पता है एयरपोर्ट आगे है, अगर शायद हम अपने रास्ता को इस गंतव्य को चलाएंगे नहीं तो एयरपोर्ट नहीं पहुंचेंगे। ये आपको पता होना चाहिए। अगर शायद आप 6 से 7 साल अगर सब MLF स्टाइल प्लेटफॉर्म पर नहीं चले, भले ही रास्ता रेडी है, भले ही सफल प्लेटफॉर्म है, इतने सारे लोग सफल हुए, अगर शायद कोई एक इंसान अगर सफल हुआ होता तो मैं मानता, आप भी मान सकते थे कि ये तीर का तबका था। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी को बदला है, लाखों लोग सफल हुए हैं, 1,850 लोग सीलिंग अचीवर बने हैं, तो आप भी बन सकते हैं। ये किसी के साथ सौतेला व्यवहार नहीं है। एक इंसान सफल हो सकता है तो डेफिनेटली यहाँ बैठा हुआ बस में और हमारे ग्रुप में 120 आए हुए लोगों में हर इंसान के पास मौका है कि वो अपनी जिंदगी को सफल बना सकता है और सफल लोगों की श्रेणी में शामिल हो सकता है और अपनी जिंदगी को एक लग्जरियस लाइफ बना सकता है। लेकिन बात फिर वही आती है कि हमें प्लेटफॉर्म पे टिकना होगा। कितना टिकना होगा? 6 से 7 साल मिनिमम आपको NTC लेवल तो क्रॉस करना ही होगा। तैयार हैं? यस। वही प्लेटफॉर्म आपके सामने है दोस्त, इसको समझिए, एज ए कैरियर इस काम को कीजिए। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने हमारी बात को माना और गोवा टूर में आप आए, आपने जिंदगी बेहतर जिंदगी के दिन जिए। इस दौरान अगर शायद हमारे लीडर से, हमारे होटल स्टाफ से, हमसे अगर शायद कोई भूल हुई है तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन इस काम को आप अपने परिवार के लिए कीजिए। किसी इशू की वजह से, कोई छोटे मोटे रीजन की वजह से अपने आप को ठहराइए मत, यात्रा को जारी रखिए। ऐसी यात्राएं आपकी जिंदगी में पूरे इंडिया में, विद इन पूरे भारतवर्ष के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में ऐसी यात्राएं आपकी होती ही रहेंगी। तैयार हैं? यस। थैंक यू सो मच। आपका एयरपोर्ट आने वाला है। जय जय माय लाइफस्टाइल। थैंक यू। ओके।